पीछा हुआ पीछा भाई चलो राम सर ये पीछा जाओ बाबू पीछे ना सबसे पहले आने वाले रमजान के पाक महीने के लिए आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। रमजान के महीने में जो खुशियों का इंतजार सभी को है, हमारे मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को और सभी को, पूरे 11 महीने इंतजार के बाद रमजान का महीना आता है और ऐसे महीने में खास करके उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस यही एक महीने पर निर्भर करती है, हमारे जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो हमारे ठेले वाले हैं, बंडी वाले हैं, उन लोगों के लिए ये एक ऐसा महीना है जिनसे उनकी बिजनेस रोजी रोटी में इजाफा होता है। तो आज उसी मौके पे आज सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी सीनियर ऑफिसर, हमारे साथ DCP साउथ जोन, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट CP स्पेशल ब्रांच, सभी SHO, ACP, सिटी सिक्योरिटी विंग के सभी लोग, हम लोग मुआयना करने के बाद जो सिक्योरिटी सेटअप है, सेफ्टी और सिक्योरिटी के तो के जो इंतजाम हैं, CCTV कैमरा है, सब का जायज़ा लेने आए हैं। और ऐसे मौके में यहाँ जो आज जुम्मे के नमाज के बाद जो हमारे भाई लोग बाहर निकले, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हमेशा की तरह, हर साल की तरह, रमज़ान के महीने में जो पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से एडिशनल वर्क, एडिशनल इंतजाम किए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक अरेंजमेंट, रात के वक्त पेट्रोलिंग, और GHMC के साथ मिलकर जहां लाइट की व्यवस्था करनी है वो सब चीज़, रोड की सफाई, ये सब हम लोग करेंगे। और आने वाले समय में आप लोगों के साथ मिलकर बहुत खुशी के साथ हम लोग ये रमज़ान के महीने में अपनी ड्यूटी करेंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस के लिए ये एक बहुत अहम मौका है कि आपके सर्विस में आपको खुश देखने के लिए, आपके चेहरे के पर मुस्कुराहट देखने के लिए हम लोगों को ये मौका मिला है और हम लोग उसको बखूबी निभाएंगे। सर, रमज़ान का नाइट बाजार कब तक रहेगा? बताए, जो हर साल की तरह होता है वैसा ही करेंगे। मोहम्मद थोड़ा बैठ। संदीप कोल्लम बैक वाटर ऐसा आ जाऊँगा, दोनों भी आ रहे हैं। हाँ, टैलेंट किसके ने भी नहीं है, दो हाथ में चलना होगा, क्या करेंगे, छोटा आदमी है, करना पड़ता है, छोटा पे टैलेंट। अच्छा, हमें ना मीडिया वाला पावर पिछड़ होता पीछे है तो पूरे आता है ना, मेरी एक मिनट हो गया ना, आया।